जानू आओ बैठे आवे जानू आओ कुछ बोल ओ सो स्पीकर नाल क्रैश हो ने रा रोहिणी आ जाओ मालके कुल मुख्तारे कुल रब्बे कुदूस ने ना जिसने इंसाना ने जोड़े बनाए और उन्होंने दरमियान प्यार रखे बेहद दरूद सलाम वजह तकलीके कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने जाते सफर जिन्होंने रहमताना इशार मेरे तुसाने और तमाम जहानों ने इर्द गिर्द महफल इच मौजूद इंतहाई स्थाने लायक सादात इकराम मौजज व मोहतरम मेहमाना ने खसूसी मेहमाना ने गिरामी हाजरीन मजलिस मेरे बुजुर्गो दोस्तों साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिस तरह के तुसा बखूबी आगा हो आज भी ये खूबसूरत महफिल महफिल शेरखानी सिलसिला शादी खानाबादी जनाबे मोहतरम राजा फात साहेब आफ नाटा मोड़ा इन्होंने शादी खानाबादी ने सिलसिले नाल असां अज सारे दोस्त कट्ठे आ पेश की दुआ है कि रब ताला इस शादी ने अंदर अपनी बरकत और रहमत नाजिल फरमाया और ये शादी दो खानदानों के दरमियान बाहम मोहब्बत और ताकयामत रिश्ते कायम रहे। दोस्तों जेड़े मुअज्जज शेर खान हजरात की दावत दी गई इलाका चातली बड़ा खूबसूरत इलाका और इस इलाके ने अंदर रब ताला ने जिस तरीके नाल मुख्तलिफ शोबे ने अंदर नुमाया लोग पैदा किए इस तरीके नाल शेरखानी ने साफ ने अंदर भी अच्छे शेरखान जातली की अता हो जिसने विच राजा मोहसिन इरफान सदाए पटोहार ऐसा शेर खान ऐसा दोस्त ऐसा अजीज जिसने अपने अंदाज नाल अपनी मोहब्बत नाल और अपने खूबसूरत अंदाज नाल लोका की अपने करीब किया और लोका ने दिला ने अंदर जगह बनाई है। उन्होंने शागिर्दे खास जनाब चौधरी उस्मान गुजर साहेब आज इस महफले में उन्होंने साथ दे सन इंशाल्लाह चंद लम्हे तो बाद में अपने मौजूद मेहमाना की स्टेज पर बुलासा इंतजामिया की तरफों अपनी तरफों दूरों नजदीक तो आए तमाम मौजूद मेहमाना की मैं खुश आमदीद आखना जी वेलकम जी आया हूं। और दोस्तों बस चंद लम्हे तो बाद ही ऐसा महफिल शुरू करवाने मैं समझना कि साढ़े मेहमान जनाब राजा मोहसिन इरफान फखर जातली सदाए पटोहार मैं उन्होंने बुला तुसा अपनी मुहब्बत नाल अपने प्यार नाल मैं सुनिया कि जिस बंदे को जेड़ी कोई चीज मौजूद होनी है वो ही पेश करना है कि जेड़ा बंदा इज्जत आला होना वो दूसरे बंदे की इज्जत देना है। मैं समझना के इस महफल अंदर जेड़े दोस्त बैठे अगर ये छोटिया बच्चिया पर बड़े बंदे नालों ही उन्हें की टोकी छोड़न बच्चा ना कर ए तके ना कोई आयत नहीं भी गल पाने कोई नबी नहीं गल भी सुनाने ते चंगी गुफ्तगू होनी है फिर थोड़ी देर खामोश रहो बच्चे बच्चे कितनी समझ लगनी लेकिन जेड़े जवान नाल बैठे बड़े बंदे ना की रोकी सकने टोकी सकने और माड़ा पुत्र टोपी आ लो वो निके हो ओए बच्चो कैमरे वाले दोस्त ने रिवॉल्व कर सो जी मैं तकड़ा जाना केड़ा दोस्त कुछ बैठा क्योंकि
पिछले पासा तेरे लाइट कट है, बड़ी मेहरबानी, बड़ा जम्मे गफीर और बड़ी मोहब्बत नाल दोस्त बैठे। मैं चाहना कि तुसा ने जिस वेले मेहमान इस स्टेज पर मैं बुला ते तुसा अपनी मोहब्बत नाल जरूर इजहार करो, पर जोश और पुरतपा के इस्तकबाल करना है। ते मैं गल करना सा भाई, जिस बंदे की रब ताला जो चीज अदा की होनी वो ही पेश करना। अगर इज्जत रब ताला ने दी हुई है तो तुसा दूसरे की इज्जत पेश कर सो। जेड़ा बंदा दूसरे की इज्जत नहीं देना या इज्जतदार की इज्जत नहीं देना, इसका मतलब यह है कि खुद इज्जत आला नहीं है या उसने कोल इज्जत नहीं है। सो जिस वेला तुसने मौजूद मेहमान में स्टेज पर बुला, जरूर मोहब्बत नाल प्यार नाल इस्तकबाल करना है। राजा मोहसिन इरफान फखरे जादली सदाए पटोहार और उन्होंने अमरा जनाब चौधरी उस्मान गुजर साहेब, मैं मुलतवी सा इंतजामिया ने दोस्तों की तुसा अपने मौजूद मेहमान की स्टेज तक पहुंचाओ। वेलकम खुश आफी जी है जनाब राजा मोहसिन इरफान, वेलकम खुश आफी जी है, भरपूर तालियां, भरपूर तालियां जी, बिस्मिल्लाह, वेलकम वेलकम खुश आफी जी है जनाब राजा मोहसिन इरफान साहिब, जनाब चौधरी उस्मान गुजर, आज दूसरे मेजबान शेर खान जी, वेलकम खुश आफी जी है। राज साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। जी दोस्तों, आज ने खूबसूरत प्रोग्राम शादी खाना बादी जनाब राजा फात साहिब नाटा मोड़ा खसूसी चाहत इस प्रोग्राम ने, जनाब राजा नजीर साहिब, राजा अमीर अफसल साहिब, राजा सफदर हुसैन फखरे नारा, जनाब राजा रिजम्फर साहिब, इन्हों तो बाद आर्दिल अजीज शख्सियात इंतजामिया ने दोस्ती, जनाब राजा उस्मान साहिब, राजा तैयब, राजा अजहर, राजा जुबैर, राजा असनैन, राजा शोएब। इस पंडाल अंदर, इस महफल अंदर खसूसी आमद आर्दिल अजीज शख्सियत साढ़े पटवारी अदब नाल जुड़िया बड़ा खूबसूरत नाम जनाबे मोहतरम मेरे भाई मेरे मोहसिन जनाब मिर्जा महबूब साहिब फखरे आदि और राजा साजद हुसैन साहिब फखरे दलताला। मैं अपनी तरफों इंतजामिया की तरफों दिल लिया था कर रही है तो खुश आमदीद अक्सर जी, वेलकम दोस्तों। सारे मौजूद मेहमान इस महफल की जीनत बने जनाब मिर्जा महबूब साहिब फखरे आदि और राजा साजद साहिब, मुलतमी साहब भरपूर तालियां नाल इस्तकबाल होना चाहिए दोस्तों का। जनाब मिर्जा महबूब साहिब फखरे आदि और जनाब राजा साजद साहिब फखरे दलताला, वेलकम खुश आमदीद जी हैं जी दोस्तों। आर्दिल अजीज शख्सियात इस महफल अंदर खसूसी आमद जनाब राजा इत्शाम साहिब, राजा अवैध साहिब लत्था छत्तर, जनाबे मोहतरम बशारत अली कुरैशी साहिब, जनाबे मोहतरम राजा कदीर साहिब पटाली, जनाब चौधरी गजनफर साहिब गुजर, जनाब राजा उस्मान साहिब दलताला और दीगर जितने भी मेहमान है जी इस पिंडाल अंदर इस महफल अंदर, सारे दोस्तों की मैं खुश आमदीद आखसा, वेलकम जी है। चूंकि दोस्तों मौसम भी खुनकी है, ठंडा मौसम है, लेकिन मैं ये जरूर तवक्को रखना जेड़े शेर खान है ठंडा होने नहीं देने लगे। राजा मौसम साहब बड़े खूबसूरत फनकार है और यकीनन तुसा तकड़े हो, पिछले दिनों भी बड़ा एक कामयाब प्रोग्राम 12 तारीख गुजर खान ने मकाम पर बड़ी दुनिया इकट्ठी हुई है, राजा हफीज बाबर साहब आजाद कश्मीर और बामरा मेरे भाई जनाब राजा मोहसिन फखरे जादली, इन्होंने ऐसी महफल की है कि यकीन करो आज दिन तक उस महफल की चस मौजूद है। तो मैं यही तवक्को रखना इन्होंने दोस्तों को कि उससे अंदाज महफिल कर, ताकि नाटा ने जितने भी और गुरबो जवाहर ने जितने दोस्त आए जी ये महसूस हो। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। शेर अगले वक्फे सुना सा मैं आना बिला ताखीर महफल शुरू की थी। जी दोस्तों, चूंकि राजा मोहसिन साहब छोटे भाई इन्होंने हुक्म है दो शेर
बतौर आजरी के मोहब्बत मुरब्बत खुलूस दे नाल मोहब्बत मुरब्बत खुलूस दे नाल करना पेश सलाम मैं दोस्ती दे इंतकामन ना कदी मैं सोचता या रखा सुखन कलाम मैं दोस्ती दे ए तराफ इस्ता मेरे यार कर दे कीती जिंदगी नाम मैं दोस्ती दे मैं सफीरे मोहब्बत निसार यावर देंदा रहना पैगाम मैं दोस्ती दे और मिर्जा महबूब साहब फखरे आदी तुहाडी नजर के खुलके अजीम दे मालका ने खुलके अजीम दे मालका ने दिता ही ये पैगाम है दोस्ती दा खुलके अजीम दे मालिक यानी मेरे और तुसाने प्यारे आका करीम अगर ते मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नी जाते एकदस आपने भी रिश्तेदार जरूर मौजूद सन लेकिन मिर्जा महबूब साहब राजा साजन साहब अगर कुर्बत हुई दिली रगबत हुई ते आपनी दोस्तां नाल ही हुई ताई दोस्त अज गारे यारे गार भी रहे ते यारे मजार भी है ओ दोस्त ही है सो खुलके अजीम दे मालका ने दिता ये पैगाम है दोस्ती दा पहले पारे तू लेके अखीर तोड़ी गोया सारा कलाम है दोस्ती दा पहले पारे तू लेके अखीर तोड़ी गोया सारा कलाम है दोस्ती दा हर दो आलम विच आवे मखलूक जितनी खांदी सदका तमाम है दोस्ती दा यावर आख दईए यावर आख दईए पर मला क्यों ना कायनात इनाम है दोस्ती दा एक कायनात जड़ी बनी है ना अदिसे कुछ है मफहूम है कि ऐ मेरे महबूब ऐ दो जहान में सरदार अगर मैं तैनु पैदा करना मकसूद ना हो तो मैं कायनात में कोई चीज कायनात नहीं मैं तखलीक नहीं सी करनी इसका मतलब यह है कि कायनात और कायनात नहीं हर शहर सरकार ने सदके नाल मिली है ते रब ने अपनी मोहब्बत ना इजहार किया सरकार की थपे जी के इस मारे हो दोस्ती ना बड़ा मकाम है फखरे आदी जनाब मिर्जा महबूब साहेब और राजा साजद साहब फखरे दुलताला ए दोस्तियां ने बदे गुजरखान प्रोग्राम हुआ ए राजे मौसम ने नाल जे दुलताला हुआ जे जपर हुआ पिंडी हुआ किरपा हुआ किसा जगह भी ए दोस्त जरूर पहुंचने सो दोस्तों यार जिंदा सोबत बाकी दोस्तियां सलामत रहन दोस्तों तू मुल्तमी सा के मैं अच्छा प्रोग्राम सुना सक सकी जितने भी दोस्त अज दी इस तकरीबे शहीद मौजूद हो सारे के मेरी तरफों और साड़ी इस टीम की तरफों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु बदर सलाम दोस्तों जिला तखीर आज ये खूबसूरत महफल मेरे भाई जनाब राजा फाज साहब वाल राजा मोहम्मद नजीर उन्होंने शादी और खान आबादी का सिलसिला है असल दोस्तों की खिदमत हाजिर हुए हैं कोशिश कर सके जिस तरह तुसा दोस्तों और भरा प्यार और मोहब्बत ने याद किया इंशाल्लाह तुसा की हर लिहाज नाल महसूस करा बिलखसूस बिलखसूस मेरे भाई मेरे मोहतरम जनाब मिर्जा महबूब साहब फखरियादी और राजा साजद साहब गुरदारे नाल तलक है और मेरे भाई बुशारत कृषि साहब इन्होंने तय दिल मशहूर हाँ कि इन्होंने अपना कीमती टाइम कटिया और साड़ी मदद रौनक बख्शी ने जिस तरह के मोहतरम निसार जावर साहब तुसा ने दसिया असा पूरी कोशिश करसा कि अगर तुसा मोहब्बत और खलूस नाल प्रोग्राम सुनिया तो तुसा की हर लिहाज महसूस करसा उस बाद इंतजामिया ने जितने दोस्त आज ने वजह में मौजूद है सारे ना नाम राजे साहब खिदा इंशाल्लाह असा भी वक्फे वक्फे नाल जिसा प्राणियां चाहता और फरमाइशा हुई अच्छे तरीके नाल पूरा करसा एक दफा हजूर का नमदार ताजदारे मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बुलंद आवाज नाल कलमा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह थोड़ी देर है दोस्त तुसा की सांस ला सकता इस तो बाद में अपने शेरखानी बिस्मिल्लाह
لہٰذا میں خدمات تعریف خدائے بندر کے بار کرنی جس نے قبضہ قدرت اسد و ساہار جاندار کی دل ہوئے ہیں شیر میرے بھائی جناب راجہ نیسان جاور صاحب نے لکھایا کیا کہ کافر لوگ بجڑے ہیں کہ بتا نہیں پوجا کرنے اور کافر لوگ بجڑے ہو خدا کی ماننے لیکن کیا کہ اصل نے خدا اور خدا میں فرق ہے اصل وہ خدا ہے کہ جڑا حضور نبی پاک اسا کی دسیا توحید نے ایا ونا شیر سرکار فرمانے ہونے لکھ دائی سب تعریف ہے اس رب قدوس کی What?
ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਕਰਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਪੁੱਤਖਾਨੇ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜਲਵੇ ਅਰਸੂ ਦੇਖੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿੱਧਰ ਦੌੜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜਲਵੇ ਅਰਸੂ ਵੇਖੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿੱਧਰ ਦੌੜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਆਣਾ ਵੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਤਖਲੀਕ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਣੀ ਰਾਤੀ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ ਸੋਚਾ ਨੇ ਤੁਵੀ ਆਪਣਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਮਾਰੀ ਤੂੰ ਰਾਤ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਰੋਗੀ ਸੋਚ ਵੀ ਜੀ ਸੋਚਾ ਨੇ ਗੁਮ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਮਾਰੀ ਤੂੰ ਰਾਤ ਵੇਖਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੱਸੀ
खसूसी नजर करना है आज अजीब खसूला राजा फर्स साहब और राजा नजीर साहब, राजा अमीर अफजल साहब, राजा सफदर साहब, राजा गनफर साहब, राजा उस्मान, राजा तैयब, राजा अदर साहब, राजा जुबैर, राजा हुसनैन और राजा शबीब साहब की नाबाइया निजात है। बिल्कुल मेरे मोहतरम जिनाब मिर्जा महबूब साहब फतेहादी और मेरे भाई राजा साजद साहब और मेरे भाई मुशारत कृषि साहब इना बारे नजर करना है सरकार फरमाने बिस्मिल्लाह We'll be right back.
विछोड़िया की फुरगत विच घबराया ते आ गया मैं एक दिवाले की सदार एकनाथ ने बड़े खूबसूरत नारे लिखे सरकार फरमाया